हेलो एवरीवन, डीडी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसको कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ और इसके ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम रेंडरिंग कराएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस बटन में एक मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, btn सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे बटन जो है कि हमारी शो हो जाएगी। आइए देखते हैं UI में। ठीक है, यहाँ बटन आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखिए मेथड क्या होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फाल्स लेंगे, या तो आप जीरो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम गेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, सो और जो कि स्टेट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेट सो। ठीक है, ये जो है कि हमने यहाँ पे एक स्टेट लिया और उसको मैंने सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बटन है। अब इस पर हम ऑन क्लिक यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हैंडल शो। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। आइए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। मैंने एक लिया कॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लिया मैंने एरो फंक्शन। ठीक है, और इस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लिया, गेट शो। ठीक है, अब यहाँ पे बाई मैंने वन कर दिया। ये जो वैल्यू है जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया। अब जो है कि ये जो हमारा स्टेट है, इसमें मैं इसको जो है कि यहाँ पे सेट कर दूंगा। अरे मतलब ये जो वन मैंने डिफाइन किया हुआ गेट शो की वैल्यू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। तो पास करने से क्या होगा, हमारा स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी। अब इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे इसको कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, वो भी टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, तो ये है, अब मैंने क्या किया, सो इक्वल टू क्या वन, तो ये हमारा शो कर दे क्या। यहाँ पे एक मैंने एक पी टैग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम हियर और यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया और यहाँ पे एक पी टैग और ले लिया, यहाँ पे लिख दिया आई एम नॉट हियर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। आते हैं UI पे, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यार आई एम नॉट हियर। ठीक है, अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम हियर। ठीक है, ये बटन पे ऑन क्लिक पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। यहाँ पे हमें एक बाय डिफॉल्ट अगर शो नहीं करना है और क्लिक पे शो करना है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का इजली यूज करेंगे। ठीक है, Entry.js में। तो दोस्तों ये है एक, इसमें और भी कंडीशनल ऑपरेटर है, उसको हम अलग वीडियो में एक एक करके बनाते जाऊंगे जितने होंगे, और हमने कहीं यूज़ भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कंडीशनल ये जो जितने ऑपरेटर है, कंडीशनल कंडीशन है रेंडरिंग का, वो हम जो कि एक एक वीडियो में करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।